लखनऊ मेट्रो के 23 किलोमीटर रूट पर आज ट्रायल शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इस पर कॉमर्शियल रन भी शुरू किया जाएगा। हमारे साथ एलएमआरसी के एमडी कुमार केशव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है इनको आज और क्या ये कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा टारगेट इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने का है वो 1 अप्रैल 2019 है जी। और हम लोग लिटिल अहेड ऑफ शेड्यूल है, मतलब थोड़ा पहले कर रहे हैं इसे जी। बहुत खुशी की बात है, इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्क हमारी टीम इतनी जोर से लगी हुई है जी। बहुत बड़ा काम था, कई चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा जो चैलेंज अगर कहें आपके लिए क्या था लखनऊ में इस प्रोजेक्ट को जमीन पे उतारने? तो बट बहुत सारी चीजें थी जो नई थी जो हमको लखनऊ में करनी पड़ी। जैसे कि लखनऊ में जो पूरा हम कॉरिडोर है वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से जा रहा है जी। और सिटीज लाइक लखनऊ जिनमें रोड बिल्कुल मैक्सिमम ऑलरेडी वाइडन है और प्रैक्टिकली नो सर्विस रोड का तो कंसेप्ट नहीं है शहर के अंदर, क्योंकि ओल्ड सिटी है। और इसमें फुटपाथ हैं जो बिल्कुल बिल्डिंग के किनारे हैं। अब आप सोचिए कि अचानक जब हमको बीच में 8 से 9 किलोमीटर का जगह चाहिए थी जहां हमको काम करना था, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज शुरू में लगता था हम लोग कैसे करेंगे जी। उसको हम लोगों ने कैटर करने के लिए बैरिकेड्स तो प्रॉपर्ली किए, लाइट किए, अपने ट्रैफिक मार्शल्स रखे और उनको ट्रैफिक मार्शल्स को पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन में रखा। बहुत अच्छी एजेंसी को फोर्स किया जो कॉन्ट्रैक्टर्स में लेके आए ट्रैफिक मार्शल्स को, और उसके थ्रू हमने वो ट्रैफिक मैनेज करना शुरू किया। जब हमारा एक फेज तैयार हो गया, 23 किलोमीटर का रूट तैयार हो गया, शुरुआत से सुनते आ रहे हैं कि लखनऊ मेट्रो अपने आप में खास होगा, आपको क्या लगता है कौन सी खासियत ऐसी होंगी इस रूट की जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आएंगी? कई सारी खासियत होंगी जो बहुत अच्छी लगेंगी। एक तो मेरे स्टेशन बहुत सुंदर है जी, जो मैं उनको सुंदर इसलिए कहता हूँ कि वास्तव में सुंदर है, और वो मैंने इंटेंशनली किया क्योंकि लखनऊ मेट्रो एक उस शहर में है जो कल्चरली बहुत साउंड है जी। तो उसकी वजह से हमने आर्ट वर्क किए जो बहुत जगह आपको नहीं दिखाई देते हैं, बिल्कुल जो हमारे टिपिकल जो इस एरिया को डिपिक्ट करते हैं वो आर्ट वर्क्स हैं, उनकी कलर स्कीम्स है जो स्टेशन को सुंदर बनाती है। कई जगह जालियों को, चाहे वो जालियां स्टोन की ना होके वो बोर्ड से जाली है, बट उसको क्रिएट करने की कोशिश की है लखनऊ मेट्रो के अंदर। ये तो सुंदरता फ्रंट पे हुआ, लेकिन इसके अलावा फैसिलिटीज, ट्रेन हमारी बहुत मॉडर्न है और इसके अंदर जो पूरे डिस्प्लेज हैं वो LCD डिस्प्लेज हैं, आप देखिए हम उससे मैसेज भी कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं, उसमें ट्रेन का भी जो आने का जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो भी LCD डिस्प्ले से लगा हुआ है। एंड फिर इसके साथ टॉक बैक फैसिलिटीज हैं जिसमें लोग इन केस ऑफ डिस्ट्रेस बात कर सकते हैं ड्राइवर से, जो मैं जब जाता हूँ तो लेडीज और गर्ल्स और सबको बताता हूँ कि देखिए ये फैसिलिटीज के अंदर है स्टेशन के अंदर, ये हम लोगों ने किया। और ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटीज के लिए नहीं जी। ये कोई ना सोचे कि ये तो यंगस्टर्स के लिए और लोग आए जी, सभी सभी सबके लिए, ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी, बूढ़े लोगों के लिए भी है, ये जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी है। तो हम कुल मिलाकर मेट्रो की सुविधाएं और उसकी खूबसूरती ही लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाले हैं। एक सवाल जो बार बार लोगों के मन में आता है कि फर्स्ट फेज का काम हो गया है, सेकेंड फेज जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है अपना, उस पर कब काम शुरू होगा, वो कहाँ अटका है, क्या कारण है काम नहीं हो पा रहा? अटका नहीं है, वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की DPR भी शुरू में बनी थी जो दिल्ली मेट्रो के साथ बनी थी, रिवाइज करके भी आई है और उसमें कुछ कॉस्टिंग का इश्यू था जो दिल्ली मेट्रो को ऑलरेडी बात करके, मैं खुद भी गया था पिछले 10 दिन पहले, खुद भी जाके बात करते हैं, वो कर रहे हैं उसे, आज भी मेरी टीम दिल्ली में ही है। और जैसे ही वो कॉस्टिंग आ जाएगी रिवाइज होके, उसके बेसिस पे हम गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। तो गवर्नमेंट से अप्रूवल है, प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही काम शुरू किया जाएगा। किराए को लेकर तमाम सवाल उठते हैं, लोगों का ये मानना है कि किराया कुछ ज्यादा है, क्या कुछ रियायत की संभावनाएं हैं आने वाले समय में, क्या लोग उम्मीद कर सकते हैं? एक तो मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि किराया ज्यादा नहीं है जी। आप आइए और इसमें चलिए, हमारा मिनिमम फेयर तो 10 रुपीज है और जो मैक्सिमम है जो बिल्कुल CCS एयरपोर्ट से लेकर और मुंशीपुलिया तक का, उसका फेयर 60 रुपीज है, वो नहीं है, मतलब नहीं है शहर के अंदर लोगों को सुविधा है। तो इसी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहूंगा वो स्मार्ट कार्ड पे जाएं, चलें, उससे उनको मॉनिटरी तो फायदा होता ही है, दूसरा फायदा ये है कि उनको स्टेशन पे वेट सुविधा है, बहुत तेजी से वो आप निकलते चले जाते हैं, कोई टिकट नहीं परचेज करना। आखिरी सवाल है मेरा कि अब जब रूट बन के तैयार है, किराया भी निर्धारित हो गया है, आपने जो ट्रायल किया वो भी समय से पहले कर दिया है, लोगों को कब बैठने को मिलेगा, फुल रूट पे कब सफर कर पाएंगे? अभी जो हमारी सिग्नलिंग ट्रायल है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रायल है और ये ट्रायल्स हमको करीब 5 हफ्ते लेंगे सिग्नलिंग को स्लो स्पीड से लेकर हाई स्पीड तक फुली ऑटोमेटेड ट्रेन बनाने में।
और उसके बाद फिर इसका कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन होता है जी. तो उनके पेपर्स हम जमा कर दिए हमने कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को. जैसे ही सिग्नलिंग ट्रायल कंप्लीट होंगे तो इसकी रिपोर्ट भी हम कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को जमा करेंगे. और एक इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसर है उसकी भी रिपोर्ट उसी वो पैरेलल चल रहा है वो भी जमा करेंगे. उसके बाद एक बार कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का ट्रायल इंस्पेक्शन होगा सर्टिफिकेशन होगा. ये थे कुमार केशोजी और इनका कहना है कि जल्द ही लखनऊ वासियों को फुल रूट पर यात्रा करने का मौका मिलेगा. लखनऊ से प्रशांत मिश्रा की टीम.